जय तिवारी, छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वितीय शासकीय कर्मचारी संघ का मुख्य निर्वाचन अधिकारी। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वितीय शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा रायपुर का, जिसका हमारा पंजीयन क्रमांक 249 है, उसका अभी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन होना है। मतदाता सूची का 21 मई 2023 की स्थिति में प्रथम प्रकाशन होगा, उसमें आपत्ति दावा आमंत्रित करने के बाद में 7 जून छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा रायपुर के अध्यक्ष पद हेतु नामांकन भरा जाएगा। उस दिन सारी प्रक्रिया, उस दिन नामांकन होगी, सड़क पड़ताल होने के बाद में प्रत्याशियों का नाम घोषित किया जाएगा, नाम वापसी दिया का समय भी दिया गया है। उसके बाद में उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय कर्मचारी संघ पंजीयन क्रमांक 249 के समस्त मतदान, ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो अभी इलेक्शन हो रहा है उसमें और खिलाड़ी भावना से और संघ के नियमों का मर्यादित ध्यान रखते हुए, मर्यादा का पालन करते हुए ये चुनाव में सभी भाग लें और सब लोग अपने मतदान का उपयोग करें। धन्यवाद। विगत जब से निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रांतीय निकाय द्वारा सूचना दी गई है, तब से हम लोगों ने आज दिनांक तक वृहत स्वरूप में सदस्यता अभियान चलाकर सदस्य बनाया गया है। हमारे चारों ही विकासखंड तिल्दा, धरसीवा, अभनपुर और आरंग और साथ ही रायपुर स्थित जितने भी शासकीय कार्यालय हैं और हमारे सारे सदस्य उनमें बनाए गए हैं, और अधिक से अधिक संख्या बल के आधार पर मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से दिनांक 14 जून 2023 को छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा रायपुर के अध्यक्ष पद का जो निर्वाचन है उसमें सारे कर्मचारी भाइयों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विनम्र अपील करता हूं, और मैं अपने सारे वरिष्ठ पदाधिकारी और पूरे सदस्यों की सहमति, स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से जो कर्मचारी एकता पैनल गठित हुआ है उस पैनल के तहत मैं रामचंद्र तांडी वर्तमान जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा रायपुर अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। होने जा रहा है 14 अक्टूबर और उसके लिए 14 जून को और हम लोग लगातार जनसंपर्क कर्मचारियों से कर रहे हैं। लोगों ने 18-19 साल मेरा कार्यकाल देखा है एज ए जिला अध्यक्ष के रूप में, तो मैं कर्मचारियों से ये अपील करता हूं कि जवाहर यादव बहुत योग्य उम्मीदवार हैं जो कर्मचारियों के लिए हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, और यादव जी के साथ मैं हमेशा खड़े रहूंगा, इनको सलाह देते रहूंगा किसी भी समस्या के लिए। अतः मैं सभी कर्मचारियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि जवाहर यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। मैं माननीय से कहना चाहूंगा कि सारी कार्यालयों से जन समर्थन अच्छा मिल रहा है, मेरा अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और मैं विजय हूँगा जिलाध्यक्ष पद के लिए।